हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहां कहीं भी होंगे भले चंगे से होंगे। और सॉरी कि ये वीडियो जो है तीज का दिन है और तीज के दिन का है और लेट जा रहा है, क्योंकि एक दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी नेटवर्क के प्रॉब्लम से, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। तो एडजस्ट कीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो गया है काफ़ी, मैं कोशिश की कम करने का, मगर इससे समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से और चाटूँ, काफ़ी सारा मैं डिलीट की हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो तीज तो ख़त्म हो गया मगर फिर भी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो तीज वाला ही फील आ रहा है। तो सभी माताओं को, बहनों को हैप्पी तीज, तेज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे सबका सुहाग बना रहे, सब लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, सारा दिन काम करते ही निकल गया आज भी, व्रत के दिन भी। तो नहा करके आ गई हूँ, साड़ी वगैरह पहन ली हूँ और बाल अभी गीले हैं तो ऐसे ही रखी हूँ, पंखा चला रखी हूँ ताकि सूख जाए। और इधर मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, बस तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, मगर मंदिर में गई थी तो फिर काफ़ी औरतें, बहुत भीड़ था, सब लोग पूजा कर रहे थे। क्या होता है ना कि अकेले हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, घर का भी काम हो जाता है, बाहर का भी काम हो जाता है, 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है सब कुछ। बाकी जो लोग भी मुझे समझ सकते हैं, तो वो लोग काफ़ी लोग हैं जो मुझे समझते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चूड़ी पहन रही हूँ, और बिछुए लाई थी, काफ़ी दिन पहले ही लाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। मैं सोची थी यही सोच करके कि तीज पे पहनूंगी तो उसी दिन दिखा दूंगी। तो मेरे पास ना कुछ पुराने बिछुए पड़े हुए थे, होता है ना पहने पहने घिस जाता है, तो उसी को चेंज करके और थोड़े से पैसे उसमें डाल करके और मैं नए बिछुए लाई थी। और बाई चांस मेरा जो बिछुआ है वो भी रेड कलर का, उसमें रेड और वाइट कलर का नग बैठा हुआ है, मतलब नग लगाया हुआ है बीच में रेड कलर का, तो एकदम मैचिंग कर रहा था। तो वही बस सिंपल सा जो होता है मेकअप वगैरह अपना कर ली, जितना मुझे आता है उतना कर ली हूँ। और आप लोग बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है। मेरे यहाँ गांव पे मतलब शुरू से मैं सुनते आ रही हूँ कि लाल कलर की साड़ी तीज में पहनना चाहिए, काला साड़ी नहीं पहनते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आँख की पुतली काली होती है, मगर फिर भी व्रत त्यौहार पर, एक छठ पूजा हो गया, छठ में भी काला नहीं पहनते हैं, तीज में भी काला नहीं पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पुराने ज़माने से चल रहा है, हमारे जो भी हमसे बड़े हैं जो नियम निभाते हैं, वो हमें भी निभाना चाहिए, करना चाहिए। और वही मेरे यहाँ गांव में अधिकतर जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे, पता होगा पिछली बार भी मैं तीज का ब्लॉग डाली थी, नाक से सिंदूर लगाते हैं, मतलब पूरे नाक से लेकर के मांग तक, तो वही मैं सिंदूर लगा रही हूँ सारा श्रृंगार करने के बाद में। और बाकी तैयार हो गई हूँ, बस ये सिंदूर लगाना ना मतलब ध्यान से निकल गया था, और फिर मैं पूजा का सामान सेट करने लगी थी तो फिर मुझे अचानक ही याद आया कि सिंदूर लगा करके ही तो पूजा करते हैं, तो वही मैं लगा रही हूँ। और मुझे मतलब पता है जब सिंदूर लगा ली नाक से, तब याद आया कि हाँ सिंदूर नाक से लगाने से पहले फ़ोटो एक भी खींची, तो ये जितने भी मैं फ़ोटो खींच पाई थी उतना सिंदूर लगाने के बाद ही। क्या है ना कि मुझे इन सब चीज़ों का उतना शौक नहीं है, और शुरू से इतना मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दी हूँ कि हाँ फ़ोटो खींचना है, सेल्फी लेना है, उतना दिमाग में रहता भी नहीं है। और अभी मैं सारा सामान ले ली हूँ, पूजा का सामान, दान का सामान, चली मंदिर। और मंदिर में देखिए भीड़ कितना सारा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूजा करना भी मुश्किल हो रहा था गाइस, मतलब भोलेनाथ कहीं और है और पानी कहीं और, जल कहीं और चढ़ रहा है, इस तरीके से पूजा हुआ था। और थोड़ा बहुत ही मैं रियल आवाज़ रखी हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को बुरा ना लगे कि इतना शोर शराबा हो रहा है। और देख सकते हैं रंग बिरंगे लोग पहने हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये दिन हर सुहागन की ज़िंदगी में आना चाहिए, जब तक हम सुहागने धरती पे हैं तो हर साल ये दिन ज़िंदगी में आना चाहिए। और काफ़ी लोग थे, मतलब अच्छे से तैयार थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने, साज श्रृंगार, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। व्रत का उपवास का पता भी नहीं चल रहा था कि प्यास भूख है भी कहीं कि नहीं आकर के मंदिर में। और पहली बार मैं ऐसे मंदिर में आकर के तीज के दिन पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार ना मैं घर ही पे की थी, घर पे ही मतलब शिव गौरी गौरी या पार्वती जी का फोटो ला करके मैं चौकी पे रख करके और पूजा की थी। और मेरे यहाँ ससुराल में क्या होता है कि काफ़ी सारी औरतें इकट्ठा होकर के मिल करके और मिट्टी का बना करके और चौक पुरूर करके तब पूजा करती हैं, तो वहीं पे सासू माँ लेकर के जाती थी, वो चीज़ अभी भी याद है। अरे आप लोग क्या करोगे यहाँ?
और वीडियो राधिका बना रही है तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना भीड़ में छोटी सी है मगर अच्छे से वीडियो बना ली, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा बनाई है। मगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और देख सकते हैं अभी। और गाइस पूजा हो चुका है मेरा, तो अंदर बस खाली जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ना तो धूप बत्ती जलाते हैं, ना दिया जलाते हैं और ना ही नारियल चढ़ाते हैं। मतलब इस तरीके का अंदर मंदिर में काम नहीं करते हैं। तो बाहर धूप बत्ती जला ली मैं, और काफ़ी बाहर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, भीड़ बहुत था ना, इस वजह से भीड़ होता है। अब देखिए त्यौहार का ही तो त्यौहार वाला फील भी तो आना चाहिए, डेली तो थोड़े ना भोले बाबा के पास इतना भीड़ रहता है, डेली तो कम ही भीड़ होता होगा। होता होगा क्या मतलब, होता है, मैं भी जाती हूँ ना कभी कभी, मुझे पता है। और अभी बस घर के लिए निकल रही हूँ, पूजा पाठ हो चुका है, देख लीजिए मंदिर का नज़ारा, बाहर से भी काफ़ी अच्छी मंदिर है, पहले टूटी मतलब अच्छा से नहीं था, अच्छा बन गया है। हेलो गाइस, तो अभी हो गया है 8:15 और एकदम थक गई हूँ, अभी आकर के बस 10 सेकंड हुआ होगा ना, बस आकर के बैठी हूँ। और मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ है, ऐसे डेली उतना भीड़ नहीं रहता, आज ना मंगलवार भी है तो यहाँ मंगलवार के दिन बूंदी चढ़ाने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। हाँ जैसे कि आपने देखा ही, राधिका मुझे सिखा रही है ब्लॉगिंग करना, वहाँ पे ना ये लोग खूब बोल रहे थे मम्मी यहाँ पे ब्लॉगिंग करना, बोलना बोलना, मगर मैं नहीं कर पाती हूँ ना बाहर में, और फिर उतने भीड़ भड़के में तो और भी नहीं कर पाती हूँ। अरे क्यों परेशान कर रही है, और आज मानविक मुझे देखे ही जा रहा है, तो अभी मैं आ रही थी पूजा करके तो वो भी आया ऊपर खेल रहा है उधर, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। भाई बड़ा हो गया मेकअप सेकअप पूजा पाठ, असली रंग पे तो आना पड़ेगा खाना। और ये वाला जो नेकलेस है आज ही मैं लाई हूँ, आज उद्घाटन की हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये गोल्ड की नहीं है, सोने की नहीं है, ऐसे ही है लिखो फिको पहनो और फेंको। तो और दिव्यांशु सो गया है, ये कितने बजे सोया, 7:30 बजे ना, जाने से आधा घंटा पहले सो गया, तो मैं इसको सोए ही छोड़कर चली गई हूँ, और देखिये पसीने से एकदम तर बतर। और बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कैसी लग रही है, मैं इस तरीके का ब्लाउज ना पहली बार पहनी हूँ, मतलब पहली बार बनाई हूँ अपने लिए, अभी तक मैं नहीं पहनी थी, अभी तक बनाई ही नहीं थी, तो पहनना क्या है। तो आप लोग जरूर बताइए कि ब्लाउज कैसा लग रहा है। और यहाँ पे इसका ना बाजू पे लैस था लगाने के लिए, मगर वो वाला लैस जो है मैं पीछे कमर पे लगा दी हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से फ्रिल बना करके और गोल्डन मल्टी कलर में है लैस लगा दी हूँ। और मानविक मुझे देख रहा है कि क्या कर रही हूँ, का बेटा। तो राधिका देखिए कैसे झांक रहे, देखो कैसे झांक रहे गंजुमा राशिदामा जी। राधिका से मैं बोली थी जब मैं तैयार हुई थी, तभी सब्जी भी लाई आज, सब्जी भी खत्म था, कुछ भी नहीं सब्जी है, दो तीन मतलब दो टाइम से ऐसे चल रहा है, मैं कभी छोले बना दे रही हूँ, सुबह बनाई चने की दाल की कचौड़ी, तो इस तरीके से खाना बना, मैं सब्जी नहीं लाती हूँ तो कोई नहीं लाते हैं, ये हालत है घर में, बस 4-5 आलू ही था, प्याज व्याज कुछ नहीं था। अभी मैं दीपिका के सर पे रख करके फोन में बात कर रही हूँ, और अब जा रही हूँ। तो अभी मैं सब्जी भी लाई, नहाने से पहले सब्जी लाई, फ्रूट लाई, जितना ही पूजा का सामान था सब लाई हूँ ना दीपिका, लाई नहीं लाई हूँ तो सारा दिन, मतलब पता है अगर काम ज़्यादा ना रहे तो व्रत का उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ज़्यादा तबीयत तो इतना खराब है, मगर सारा दिन ना सुबह से जब से जग जाती हूँ तब से बस भागम भाग इधर उधर लगा ही रहता है, तो थकावट तो हो गई। और इस हाथ में आज मैं मेहंदी लगवाई हूँ, मुझे दिखा देती हूँ, साथ में अच्छे से नहीं रचा है मतलब रच जाएगा इस हाथ में, और इस हाथ में कल ही लगवाई थी, और ये चूड़ी जो कि रेड कलर की है, प्लेन चूड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं प्लेन चूड़ी ही पहनती हूँ, और चूड़ी मुझे ज़्यादातर रेड और मैरून कलर की ही पसंद आती है, वही प्लेन तो वही पहन ली हूँ। और इसके सेट का नेकलेस का सेट का कान का भी है, मगर वो नहीं पहनी हूँ, मैं ये वाला पहन ली क्योंकि वो थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। ओह का हाँ, आज ये लड़का मुझे देखे जा रहा है कि आज ये क्या कर रही है, तैयार होकर के सज धज के कहाँ जा रही है, तब तू तो अभी तू है मानविक मानविक है मानविक आ रहा है मैं बाल नोचा बाल नोचा। तो चलिए अभी जा रही हूँ खाना बनाने।
तो गाइस अभी खाना बन चुका है। खाने में बनाई हूँ आलू और बोड़ो की, जो लोबिया बोलते हैं, बोड़ा बोलते हैं, कहीं पे बड़बट्टी उसको बोलते हैं। तो बता कौन सा कुकर में चावल लगा तो बंद कर देना। खाना बन चुका है, सब्जी चावल में बना दी हूँ इन लोगों के लिए। और दिव्यांशु अभी तक सो रहा है, अभी टाइम हो गया 9 बज गया है और अभी शर्मा जी नहीं आए हैं। उनका आने का कोई टाइम नहीं आता है, कभी 10 बजे 11 बजे तक भी या कभी कभी 12 बजे तक भी आते हैं। तो आ जाए उनका तो बस चरण स्पर्श करना है। तो मगर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो सामने आते नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वो आ जाए वो, तो अभी थोड़ा मैं ऐसे ही रहूंगी, पहन करके ही एक बार नजर डाल लें वो भी होता है ना। तो अभी जो है आज का, और हाँ आज मैं ना इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनाई हूँ एक दो। तो जो लोग भी इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर के जल्दी से फटाफट फॉलो कीजिए और उससे हम लोग ढेर सारे बातें किया करेंगे। ढेर सारे तो नहीं मगर कोशिश करूँगी बातें किया करूँगी। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बंद कर देना। और एक बार फिर से सभी माताओं को, बहनों को, जितने भी कुमारी मेरी बहनें हैं, शादीशुदा है, सबको हैप्पी तीज, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए गाइस आज का ब्लॉग है यहीं पे मैं करती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एडिटिंग करने में, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का, आप लोगों को आज का ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। और बाय बाय गाइस, गुड नाइट, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।